हेलो हेलो हेलो, वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम क्या खाने वाले हैं भाई, आपको क्या खिलाने वाला है? जी हाँ दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई बढ़िया सा मटन खिला दो यार, मटन मटन मटन। तो आज मैंने ऐसी जगह से खाना ऑर्डर किया है जहाँ से पर्सनली मैं बहुत सालों से खाता आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, मैं जब मुनिरका में रहता था दिल्ली में, और बाहर से कोई कॉमेडियन परफॉर्म करने आता था दिल्ली में, चाहे वो बैंगलोर से आता था, चाहे वो मुंबई से आता था, हैदराबाद से, कहीं से भी आता था, तो मेरे यहाँ मुनिरका में जब मेरे साथ रुकते थे घर पे, मैं वहीं से ऑर्डर करके खिलाता था। और बहुत ही मतलब दिमाग खराब उनका, पागल हो जाते थे कि भाई साहब क्या ही ज़बरदस्त खाना ही है। दोस्तों मैंने आज खाना मंगाया अल कौसर से। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आप समझ गए होंगे कि अल कौसर के कबाब क्या ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों खाना स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं मैंने मंगाया क्या क्या है। तो भाई ने मंगाया, एक तो सबसे पहले इनका मटन ककोरी, ये मैंने पहले खा रखा है। फिर मैंने मंगाया है इनका मटन गलौटी, जो मेरा फेवरेट है कबाब में, और ये दोनों मैंने यहाँ के खा रखे हैं। और फिर मैंने मंगाया है मटन बर्रा, ये मैं यहाँ का फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। इसके साथ मैंने मंगाया है, ये है आपका वर्की पराठा, मस्त गरम गरम, ओहो क्या ही खुशबू आ रही है। और साथ में ये है इनकी खमीरी रोटी। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटन ककोरी से। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने जैसे कि बताया बहुत सालों से खाता रहा हूँ मटन ककोरी। और जब सबसे पहली मैंने मटन ककोरी खाया था फर्स्ट टाइम अल कौसर पे, तो बहुत ही फनी था, क्योंकि मैं मंगाना चाह रहा था गलौटी और मेरे को याद नहीं आ रहा था, और मेरे मुंह से ककोरी निकल गया, और मेरे को दिमाग में ऐसा था कि अच्छा गलौटी आ रहा है पर नाम नहीं याद आ रहा था। और जब आया तो ये ककोरी आया, मैं अरे नहीं नहीं वो तो गोल गोल होता है ऐसे, पर वो तो आ गया था ऑर्डर। तो मैं टेस्ट करके देखा, मैं यार ये भी ज़बरदस्त है, बहुत साल पहले की बात है। तो मैं जो मटन ककोरी है और आपका ये साथ में गलौटी है, ये मैं हमेशा वर्की पराठे के साथ ही खाता हूँ अल कौसर से। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं मटन ककोरी, जो कि है 230 रुपए का, दो पीस आते हैं दोस्तों। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, पर मुझे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और एकदम समझ रहे हैं, ये सॉफ्ट इतना है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी उंगली, ये इसको मैं उठा नहीं सकता ऐसे पूरा पीस, जैसे आप सीख उठा लेते हो ना भाई साहब, इतना ये कि इसको आप उठा नहीं सकते ऐसे, इसको ऐसे हलवे की तरह ही खाना पड़ेगा। ये देख लो, ये ऐसे टूट जाता है ये एकदम ही, जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है इस कबाब की, इसकी जो सॉफ्टनेस है। ये लेता हूँ मैं एक वर्की पराठा का पीस, और ये इसकी एक बाइट सी लेके देख लेते हैं। कोई चेंज नहीं, इतने सालों में टेस्ट वैसे का वैसा। इनकी ओरिजिनल ब्रांच आर के पुरम है दिल्ली में, जब मैं मुनिरका से रहता था तो भाई साहब जो दोस्त आता था मैं यहीं से ऑर्डर करता था। तो अपने तन्मय भाई हो, जाकिर भाई हो, अमित टंडन सर हो, अभिजीत गांगुली हो, जितने कमेडियन हैं, जो आता था सबको, खंबा हो, सबको खिला रखा मैंने, सबको खिला रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ओहो एकदम मेल्ट हो रहा है, एकदम मुंह में आती ना बिकॉज समझ रहे सॉफ्टनेस, तो ये आपको ये तस्वीर ही बता देगी कि कितना सॉफ्ट है, मैं क्या बताऊँ। ओहो ये था इनका मटन ककोरी दोस्तों, एंड एक बाइट मैं ले लेता हूँ इनके खमीरी रोटी से, क्योंकि मैं खमीरी रोटी इनकी पहले कभी नहीं खाई, मैं हमेशा वर्की पराठा ही खाया है। तो मैं एक छोटा सा पीस लिया खमीरी रोटी का, और ये खमीरी रोटी ना बहुत ब्रेड वाली फील आती है। मैं पराठे का शौकीन हूँ तो मैं तो पराठे के साथ ही खाता हूँ, पर खमीरी रोटी भी सही है, मेरी पहली चॉइस है वर्की पराठा। दोस्तों ये है मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मतलब कबाबों का कबाब गलौटी कबाब। जहाँ मैं अगर खाना खाने जाऊँ मुझे पता पड़ जाए कि मेन्यू में गलौटी कबाब है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ट्राई ना करूँ। तो दोस्तों मैंने ले लिया है वर्की पराठे का एक और बाइट, और मैं वर्की, ये देख लो ये, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी ये उठ सकता है, पर इसको मैंने ऐसे दो मिनट भी पकड़ के रखा ना ऐसे, तो ये समझ रहे, ये देखो ये मैं बता रहा था, इतने ज़बरदस्त सॉफ्टनेस, पता नहीं क्या कैसे ही बनाते हैं। ओवरऑल मुझे गलौटी कबाब के बारे में ये बहुत पसंद है। तो मैंने इतना पीस ले लिया बड़ा सा बढ़िया सा, और मज़ेदार, ओ हो भाई साहब, कभी डाइटिंग करने की सोच रहे हो
तो गलती से इस तरफ मत जाना, इनकी रसोई तरफ मत जाना। ओहो, अच्छा, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, मतलब मिर्च का बिल्कुल सहारा नहीं है टेस्ट में, बता रहा हूँ मैं, अपने आप में ही इतना ज़बरदस्त टेस्टी है। देखो भाई साहब, ये मैं रह रहा हूँ अगली बाइट खमीरी रोटी का, खमीरी रोटी के साथ, खमीरी रोटी बाय द वे, खमीरी रोटी आपकी 40 रुपए की है, वर्की पराठा आपका 95 का है। मटन क्वालिटी आपका 240 का। भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त। कोने कोने तक सॉफ्ट, इतना छोटा छोटा, इतना कबाब को स्पेशली च्यू नहीं करना पड़ रहा था, तो बड़ा हमसे घुल रहा है, पूरे मुंह में पहुंच रहा है अपने आप को हर जगह। दोस्तों ये है जो मैं करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम ट्राई, अलकौसर का मटन बन रहा है, यहाँ से मैंने ये कभी नहीं ट्राई किया। और ये क्वान्टिटी आप जो देख रहे हो, ये भाई साहब ये है 335 का। जी हाँ, महंगा है थोड़ा, तो ये ट्राई करके देखते हैं। हमने फिर से लिया अपना वर्की पराठा और हमने लिया एक बाइट मटन बर्रा का। भाई साहब मटन को जो इतना सॉफ्ट बना दे भाई साहब, वही गेम खत्म है, समझो। मटन के साथ जो मेरा पर्सनल बहुत टाइम से रहा है कि अच्छे से कुक ना हुआ हो ना मटन, तो मुझे फील नहीं आती। और ये तो भाई साहब बर्रा है, मतलब ये तो क्या ही ज़बरदस्त। ओहो, टेस्ट तो पता चल गया है, पर एक बाइट और लेनी है। तो खमीरी रोटी के साथ खाने के बहाने से एक बाइट और लेंगे हम मटन बर्रा की। ओहो दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हो तो खमीरी रोटी और वर्की पराठा बहुत टेस्टी है, किसी और चीज़ के साथ खा सकते हो, पनीर भी मिलता है वहाँ पे। मैंने मंगाया नहीं क्योंकि मैं पनीर कभी वहाँ का खाया नहीं है, और ज़्यादातर मटन ही खाया है, और उनका पनीर भी सही है, दाल मखनी भी सही है। ये है दोस्तों मटन बर्रा भाई साहब, बहुत ही सॉफ्ट। अच्छा, इन्होंने ना कई जगह ब्रांच खोल दिया, मैं ऑर्डर के लिए फ़ोन कर रहा था तो ऑटोमेटिकली IVR पे चला गया कि रजौरी गार्डन से ऑर्डर करना है तो 1 दबाओ, गुड़गांव से ऑर्डर करना है तो 2 दबाओ, आर्केपन से ऑर्डर करना है 3 दबाओ, तो मुझे पता है कि इतना फैल गया है। भाई साहब मेरे तो बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, अलकौसर बहुत खा रखा है मैंने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मटन स्पेशल वीडियो, अलकौसर के कबाब। आप मुझे अब कमेंट करके ये बताओ ये वीडियो कैसा लगा, वो तो बताओ ही, पर दिल्ली NCR में कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनकी चेन नहीं है या इतने फेमस नहीं है पर खाना बहुत बढ़िया है ना, चाहे वो स्टॉल हो, रेकड़ी हो, समझ रहे हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केटिंग तो, पर उनका खाना बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके वीडियो बनाऊँ। तो जैसे जिन लोगों को नहीं पता था इसके बारे में, अलकौसर के बारे में, बहुत बढ़िया खाना है इनका, तो ऐसे मुझे रेस्टोरेंट बताओ कि ये वाले रेस्टोरेंट की ये 2-3 डिश आप ट्राई करो भाई, या इस वाले रेकड़ी पे जाके, स्टॉल पे जाके ये खा लो, बहुत ज़बरदस्त है इनका। तो भाई साहब ऐसा कर दो, मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, है ना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, आपका श्रद्धा हो तो इंस्टाग्राम पर आके हेलो कर देना, और ये भी सजेस्ट कर देना स्टोरी में टैग करके कि नेक्स्ट क्या खाना चाहिए, कौन सा कुछ दिन, वो भी बता देना, कोई रेस्टोरेंट, मतलब कोई भी सजेशन हो, ओपन टू ऑल है, बता देना, है ना। अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।